गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भैया मस्त मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं, पगड़ी वगड़ी बांध लिया भाई। वैसे सुबह नहीं हो रही, हो रही दोपहर। चक्कर क्या है, दो चार दिन से लगातार बाइक के काम से जल्दी जल्दी सुबह उठ के जाना पड़ता था और रात को एडिटिंग के वजह से लेट हो जाता था। तो कल रात ना तो मैंने एडिटिंग करी ना मतलब ज्यादा देर से सोया, टाइम से सोया और लेट तक उठा। और आज सुबह सुबह आराम से सुबह उठ के एडिटिंग करिए बढ़िया तरीके से। और अभी देख रहे हो ना, गुड मॉर्निंग करिए मैंने, लेकिन टोनी मल को कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। कोई दिक्कत तो नहीं टोनी मल? कुछ तो बोल। बड़े ध्यान से देखते हैं जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, इसे समझ में नहीं आता है बातें किससे कर रहे हैं। इसके साथ भी लक्की वाला हाल है मेरे ख्याल से, पर ये बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है। देखो देखो हंस भी रहा है, टोनी। कैमरा देखते हंसी भी बंद हो जाती है इसकी, और शैतानी तो बिल्कुल बंद। बहुत देर से खेल कूद रहा था ये, पर जैसे ही कैमरा सामने आया खेलना कूदना बंद। चलो भाई मैं उठ चुका हूँ, और आपको जैसे कि पता है आज अपन काम कराने वाले थे बाइक का धनो का। वो यार बार बार धनो नाम से आ जाता है मुंह पे। इसका कोई नाम सोचो, इस बाइक का क्या नाम रखा जाए, एक्सपल्स का, तो फिर उस हिसाब से वो नाम रखेंगे। जो कमेंट करेगा ना बढ़िया सा नाम, उसका नाम भी लूंगा और वो नाम अपन सजेस्ट भी करेंगे इस बाइक के लिए। फिर देखते हैं क्या नाम मिलता है, बढ़िया सा नाम सोचना भाई। बाकी निकलते हैं अभी घर से, हॉर्न सही नहीं था तो हॉर्न नया डलवाएंगे। बाकी घर का कुछ सामान लेके आना है भाई, दो चार दिन से भारी बाहर था मैं, तो घर का कुछ सामान नहीं है भाई। सामान वामान लेकर आ जाते हैं। सुबह सुबह मम्मी भी गायब है भाई। मम्मी कहाँ गई है? मेडिटेशन कैंप। हमें छोड़ के मेडिटेशन भी निकल गई है भाई। तो साथ महात्मा तो नहीं बनेंगी मम्मी? मुझे भी यही लग रहा है भाई सच्ची। उनका होना है ऑपरेशन और वो जा रही है बार बार मेडिटेशन के लिए भाई, और मेडिटेशन के चक्कर में ऑपरेशन लेट कर रही है भाई। खतरनाक है वो, मस्ती खो रहे हैं पूरी पूरी, और उन्हीं पे ये गया है भाई पूरा। ये भी मस्ती करता रहता है, सुनता उनता नहीं कुछ भी। हाँ क्या छोड़ो, मैं अपना काम करूँ। फाड़ दे। चलो इसकी मस्ती तो चलती रहेगी, अपन निकलते हैं घर से। थोड़ी बहुत देर में मोहित भाई भी आने वाले हैं, मेट्रो से निकले हुए हैं, तो जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे तो मुझे फोन कर देंगे, मेट्रो स्टेशन से उन्हें पिक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपन निकलते हैं। हाँ क्या हो गया, चलना है तूने भी? चलेगा? नहीं जाना टोंडी नहीं जाना। अभी ये मूड में नहीं तो नहीं को तो बहुत जल्दी रिपीट करता है ये। जैसे अगर मुंडी यूं यूं लाए तो फिर ये भी लाता है यूं यूं। हाँ बड़े प्यार से आके बैठता है आसपास। ये देखो इसको पता चल गया मैं जाने वाला हूँ तो लाड प्यार कर रहा है, ताकि इसे घुमाने ले जाऊँ मैं बाहर। और इसे बाहर ले जाना नहीं है भाई, तू घर ही रह अभी, ठीक है? बाहर धूप बहुत है। पीछे सुप्रीति देख रही, तू अपने साथ नहीं लेके जा रहा है, सारे काम मेरे ऊपर अकेले छोड़ रखे हैं। सुप्रीति थोड़ी देर पहले बहाना भी मार रही थी, बहाना नहीं कह सकते मतलब दूसरों पे इंजाम डाल रही थी। चंचल पे कह रही थी, चंचल भाई चले गए तेरे को छोड़ के, चाचू भी जा रहे हैं, तू मेरे पास ही अकेला। भाई टोंडी को संभालने का काम आ दिया है, कर्तव्य है आपका। बाकी रात में चंचल जी आके संभालते हैं, और मीन वाइल मैं भी थोड़ा बहुत संभाल लेता हूँ। बच्चा आता क्या है, चार पांच बार खड़ा हो चुका है। हाँ तो ये रही अपनी बाइक भाई, लेके निकल रहे हैं घर से बाहर। अभी वैसे मेरे ख्याल से मोहित भाई को आने में और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक अपन पास में जाके इसका हॉर्न सही करवा लेते हैं। मैं आपको हॉर्न दिखाता हूँ, सिंगल हॉर्न बज रहा है, दोनों हॉर्न नहीं बज रहे हैं अभी इसके। सो ये एक हॉर्न बज रहा है अभी, और मेरे ख्याल से इसके अंदर दो हॉर्न है, तो एक ही हॉर्न बज रहा है, दूसरा हॉर्न बज नहीं रहा है। और एक कंपनी फिटेड है दोनों हॉर्न मेरे ख्याल से, तो लाइट ही रहता है वैसे कंपनी फिटेड। अगर ये दोनों हॉर्न मिला के आवाज़ अच्छी हो रही होगी तो अपन नया हॉर्न नहीं डलवाएंगे, अगर हल्की रहेगी तो एक न्यू हॉर्न डलवा देंगे। वैसे अपने पास ये भी ऑप्शन है, धरनों अपन अभी चलाने नहीं वाले हैं, तो ये लाइट वाले हॉर्न धरनों में भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए एक हैवी हॉर्न देख लेंगे भाई। बाकी चलते हैं बाहर, बाय द वे मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ये बाइक जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में अपन को मिली थी, बाकी सारी बाइकों से सबसे ज़्यादा स्मूथ थी भाई। मस्त हमने से इंजन से चेक भी करवा लिया था, तो काफ़ी बढ़िया थी। इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है कि ये देख रहे हो ना, वहाँ से मैंने इसे अभी चलते चलते में उतारा, और इससे भी ज़्यादा हाइट में मैं इसे नॉर्मली उतार ही लेता हूँ हमेशा बिना किसी दिक्कत के। और ये खड़ी बुलेट, ये खड़ी धन्नो,
धनो के अंदर हॉर्न और लाइट्स लगी हुई है, नई लेटेस्ट डलवाई थी हमने पहले, लेकिन अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो उसके अंदर लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी डाल सकते हैं। और हॉर्न भी काफ़ी हैवी है उसका, तो वो भी डाल सकते हैं अगर इसका वर्क नहीं करता है तो। बाकी उसे बाकी आउटर और इंजन से कंप्लीट करवा देंगे, हैवी कर देंगे जब हम नेक्स्ट ट्रिप से लौट के आएंगे तब मे बी, और फिर सही करके रख के जाएंगे। चेक करके अगर गाड़ी ज़्यादा दिन तक खड़ी रहे ना तो फिर जंग खा जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है भाई। जस्ट हॉर्न दिखाने पहुंचा ही था भाई तो फ़ोन आ चुका मोहित भाई का, मोहित भाई मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो पहले उन्हें पिक कर लेते हैं फिर आराम से आके यहां पे हॉर्न दिखा देंगे भाई। सो फाइनली मोहित भाई भी आ चुके हैं, और भाई घर पे दिन नहीं लगता है? नहीं भाई मन ही नहीं लगता यार आपके बिना मेरा। ओ भाई खतरनाक सा हो रखा है। चलो भाई पास में ही जा रहे हैं हॉर्न सही करवाने के लिए, पहले हॉर्न सही करवाते हैं फिर निकलेंगे बाकी काम करने के लिए। एसी का रिमोट भी लेना, पता है कहाँ से मिल जाता है एसी का रिमोट? हाँ कल तो तू कह रहा था पता कर लूँगा मैं, ये भाई दिल्ली का ऐसे ही नहीं पता होता है आधी चीज़ें। मेरे यहाँ मिलता है। तेरे वहाँ मिलता है? ये पाकिस्तान में है जगह? अच्छा अच्छा दोनों दिल्ली है मेरे ख्याल से। लो भाई हॉर्न अटैच किया, मेरे ख्याल से हॉर्न काफ़ी हैवी था, उसने फ्यूज़ ही उड़ा दिया भाई, खतरनाक वाला सीन हो गया भाई। चलो कोई नहीं सही हो जाएगा फ्यूज़ तो, अभी अब बजा के देखते हैं भाई। बड़ा हैवी हॉर्न है, बजाते ही पूरी लाइट डैमेज हो रही है, पूरा कनेक्शन डैमेज हो रहा है भाई काफ़ी। सो भाई एक चीज़ नहीं पता चली, मुझे लग रहा था शायद फ्यूज़ उड़ रहा हैवी हॉर्न की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हॉर्न है ना वो हमारा वाला जो हॉर्न है वो हैवी नहीं है, वो शॉर्ट हो चुका है, उसके वजह से क्या हो रहा है वो हॉर्न फ्यूज़ को उड़ा दे रहा है, बाकी दूसरा हॉर्न सही वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये चीज़ सही है भाई, अपन दूसरा वाला हॉर्न लगा लेते हैं ताकि कंफर्टेबल रहे। सो अभी हम बाइक लेके जा रहे हैं यहाँ से, बाकी मैंने धनो का भी पूछ लिया, धनो भी रिपेयर कर देंगे यहीं पर, तो धनो को लेकर आ जाएंगे। थैंक यू भैया, कल आते हैं, कल सुबह आना पड़ेगा आराम से टाइम से, और कल सुबह सुबह ही सारा काम हो जाएगा धनो का। बाय द वे हम धनो को भी सही करवा रहे हैं, और हो सकता है कि धनो भी हमारे साथ और ये भी हमारे साथ इस ट्रिप पे जाएगी, ये सबसे डिफरेंट ट्रिप होने वाली है। आज तक धनो मतलब अकेले जाते थे, अब दो दो बाइकें होंगी हमारे पास। सो फाइनली रिमोट एसी का मिल गया है भाई, लेकिन ये यूनिवर्सल रिमोट है, बेसिकली ये वो रिमोट नहीं जो एसी के साथ आता है, पर अभी वो जो एसी का रिमोट है ना वो हमें पता नहीं है कौन सा था, तो फिर हमें इसी रिमोट से काम चलाना पड़ेगा भाई। पर ये बढ़िया, कम से कम एसी कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, नहीं तो वो एसी स्टेबल हो गया था 24 पे, ना कम कर सकते थे ना ज़्यादा कर सकते थे भाई। चलो कोई नहीं, जो मिल गया उसी से काम चलाओ। वालों का सारा सामान ले लिया भाई, खाने का सामान भी लिया उनका और रिमोट भी ले लिया भाई, और मैं अपनी पेट पूजा करने आ चुके हैं भाई सूप पीने के लिए। बड़े दिन से सूप पीना मन करा था, गर्मियाँ चल रही है, सूप इजीली हर जगह मिलता नहीं है, तो एक रेस्टोरेंट मुझे पता है जहाँ पे बहुत अच्छा सूप मिलता है, वहाँ आ चुके हैं भाई। बाकी अभी हम प्लान कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा डिस्कस करता हूँ प्लान होने के बाद आप लोगों से। प्राणी आ गया। लो भाई पेट पूजा हो चुकी है और अब चल रहे हैं घर की तरफ, भाई को मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे। और ये देखो भाई एज यूजुअल बाइकों के लिए ऐशो आराम और कार और तो हमने इस बाइक का एवरेज टेस्ट भी किया है भाई, लेकिन अभी एवरेज बहुत कम दे रही है क्योंकि हम सिटी के अंदर राइड कर रहे हैं ना, इसलिए सम अराउंड 30-35 का एवरेज होगा अभी, बाकी जब ये हाईवे पे चढ़ेगी तब एग्जैक्ट पता चलेगा भाई। सो टाइम आ चुका है भाई को बाय बाय करने का भाई,
भाई से कल मिलेंगे मॉर्निंग में टाइम से, कल मॉडिफिकेशन करेंगे बची बची बाइक में, बाकी निकलते हैं अब, भाई भी घर जाए, कल टाइम से मिलते हैं भाई। ओके बाय। ये देखो भाई 90s की RX 100 मस्त है। सो भाई ये जो बाइक देखी ना भाई, ये 90s की वन ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स बाइक हुआ करती थी, RX 100 काफी ज्यादा फेवरेट हुआ करती थी हर किसी की। चलो भाई चलते हैं ऊपर भाई और सामान वामान रखते हैं और थोड़ी सांस लेते हैं भाई, खतरनाक हाल है। मैंने एक चीज और नोटिस करी भाई, जैसे मैं अपनी बाइक को चला रहा हूँ ना ट्रैफिक के अंदर, तो बहुत ज्यादा हीट हो रही है भाई, और नॉर्मली जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक होती है ना वो बहुत ज्यादा हीट होती है ट्रैफिक के अंदर, और चलाना टफ भी पड़ती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, एक या दो दिन बाद ना अपन नई ट्रिप पे निकल जाएंगे, लॉन्ग रूट पे दिक्कत नहीं आती इन जैसी बाइकों में, ये स्मूथ हो जाती है और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाती है। फिर कौन आया? टोंडी मैं आया हूँ, दौड़ने लग गया पूरे घर के अंदर भाई, क्रॉलर के अंदर, वॉकर के अंदर सॉरी, बहुत तेज दौड़ता। आजा 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 आजा। सो सबसे पहले ही यूनिवर्सल रिमोट ट्राई करके देखने वाला हूँ, वैसे इसकी सिर्फ 2 ही दिन की गारंटी मिली है, नहीं तो दिक्कत देगा। बाकी बहुत यूनिक चीज़ बताई इसके बारे में, मैं आपको करके बताता हूँ क्या बताया उन्होंने। बेसिकली इसको ना जब भी स्टार्ट करना है तो ये ऐसे करके छोड़ देना है और रिमोट कर देना है बिल्कुल एसी के सामने की तरफ। आप देख सकते हो 0-0 हो चुके हैं इसके अंदर सारे, नीचे वाले 1-2-3-4 आ रहा है ना, ये सारे 0-0 होने चाहिए, और जैसे ही बीप करे ना एसी तभी इसे रोकना है बेसिकली। लो भाई बीप तो नहीं करा, पर ये 26 पे आके सेट हुआ है। ओके सेट कर देता हूँ, अब हम एसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं आराम से। आई भाई जैसा कि उन्होंने बताया था, ये मतलब एसी को ना मतलब ये बटन चलते रहेंगे, मतलब 106 109 111 ऐसे चलते रहेंगे और एसी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एसी का टेम्परेचर तो चेंज हो गया, पर ये नहीं पता चला कौन से नंबर पे सेट करना था इसे। अभी पहले तो एसी चल रहा था 24 पे, अच्छा खासा रूम भी ठंडा होता था, पर अभी 26 पे हो गया है, ना रूम ठंडा हो पा रहा ना कुछ, अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है आज रात के लिए एसी खराब हो चुका है भाई। सुबृद्धि यूनिवर्सल रिमोट लाना था, ये मेरा सोनू बड़ा डांसिंग चालू है। एक एसी था वो भी अब था ही हो गया, इसलिए मैंने एसी सही कर दिया भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आ गया। बेसिकली ये ना बटन चेंज हो रहे थे इसमें, मतलब वहां पे भी चेंज हो जाता था, 16 पे आ गया ये, और जैसे मतलब चेंज होता था 31 या 32 पे होता था, पर ये देखो अभी जैसे मैं इसे चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है बाकायदा। ये देखो मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ऊपर एसी भी चेंज हो रहा है। सो वहाँ देख रहा हूँ अभी टेम्परेचर हो रखा 19, अभी 18 हुआ 17 हुआ, तो रिमोट वर्क कर गया है भाई। मतलब आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है यूनिवर्सल रिमोट को भाई, अगर सेट का बटन दबा के आप छोड़ दोगे ना तो जैसे ही एसी के अंदर चेंज आ जाए, मतलब कि कोई टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो समझ जाना उसी के आसपास कहीं ना कहीं नंबर से सेट हो रहा है। बस वैसे ही समझ में आ गया और सेट हो चुका है फाइनली, चल पड़ा एसी 16-17 पे ले आया मैं, नहीं तो रात पूरा बेकार हो जाती, एक एसी वर्क ही नहीं करता। सोचो इस रूम के अंदर 2-2 एसी हैं तब भी एक एसी काम नहीं करता, ये भी एक एसी है कि ये भी एसी है, ये भी खराब पड़ा हुआ है और इसका रिमोट पता नहीं कहाँ खो दिया था, तो हमने ये वाला एसी को सही करवाया था भाई, और अभी ये वाला रिमोट मिल गया नया, तो वो एसी भी सही है। जल्दी जल्दी एसी फट गया, इधर आओ इधर आओ, ये देखो फट गया है, 18 पे ले आया ये देखो, वो देखो बढ़ भी रहा है, 19 पे हो गए, वो देखो कम हो गया, 18-16-17। अब बताना चंचल वीर सिंह को, अब बता चंचलिया ने आगे मजाक उड़ाया था हमारा, चंचलिया को बताते हैं। नहीं चल रहा यार, एक कमरे में ही सोना पड़ेगा। हाँ आज एक कमरे में ही सोना पड़ेगा ये बोली उन्होंने, ठीक है, फिर वो परेशान होते रहेंगे टेंशन में रहेंगे, पर फाइनली एसी सही हो गया, हमें गालियां देंगे लेकिन अभी बोल रहे हैं पापा। हाँ, अभी डांट लगा रहे थे, मैं बहू को चैन नहीं है चक्कर क्या, वो आए वो उन्होंने देखा पहले तो 24 पे था, कम से कम एसी काम तो करता था, अभी उन्होंने ऐसे टेम्परेचर पे कर दिया जो काम ही ना करे, पर अभी हमने सही कर दिया तो खुश हो जाएंगे सच्ची, पर अभी उन्हें बताना नहीं है, उन्हें टेंशन में रखना है। लो भाई अगर आपका भी रिमोट खो जाए तो ऐसे ही कर लेना भाई सेट, बस चालू करना है सेट का बटन दबा के अपने यूनिवर्सल रिमोट से, और जैसे ही आपका एसी ट्रिप मारे मतलब या चेंज करे अपना नंबर, मतलब एसी के नंबर चेंज करे, तो वहीं पे ओके दबा के सेट कर देना है इसे, बस ऐसे ही सेट हो जाएगा भाई बिना किसी दिक्कत के। पर बड़ी मेहनत लगती है, 999 एसी इस रिमोट से चलते हैं, तो उनमें से 999 नंबर इधर आते हैं और किसी एक नंबर से ही मैच करता है, तो बड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से बैठना पड़ता है।
सो भाई दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अपनी बाइक आ चुकी है, लेकिन बाइक पे भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। मॉडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब कैरियर्स लगने हैं, सामान रखने के लिए जगह बननी है, बिना उसके अपन राइड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे आज अपन को जाना था कैरियर्स के लिए, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो गया था इसलिए नहीं गए। कल आराम से जाएंगे, कैरियर्स वैरियर्स लगवा देंगे, लाइट्स लगवा देंगे, हैवी हॉर्न सही करवा देंगे, हॉर्न नया लगवा देंगे, देख लेंगे जैसा भी रहेगा भाई। बाकी कल अपना सारा काम बाइक का कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर अपन न्यू ट्रिप प्लान कर लेंगे, तो बहुत जल्दी जाने वाले हैं और बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं इस वक्त कहाँ जाएं, कौन सी जगह जाएं। बाकी आप लोगों को पता है मैं डिस्कस कर रहा था मोहित भाई के साथ, तो मोहित भाई के साथ डिस्कस किया और हम इस कंक्लूजन में आए, दोनों बाइकों को ले जाना थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी इस बाइक में काम करा रहा हूँ, फिर उतना ही काम मुझे उस बाइक को भी स्ट्रांग करने में करना पड़ेगा। और इवन जो धन्नो है ना, धन्नो के अंदर मुझे इंजन के अंदर भी पावर डालनी पड़ेगी। एक्सपल्स के अंदर तो बहुत पावर है इस वक्त, लेकिन धन्नो के अंदर इंजन में बिल्कुल पावर नहीं बची है, तो पावर डालने के लिए मुझे काम कराना पड़ेगा उसका सारा जीरो से, तो उसमें टाइम काफी लगने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी धन्नो को छोड़ते हैं, धन्नो को रहने देते हैं, सिर्फ एक्सपल्स लेके जाते हैं। धन्नो का काम जब करवाएंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, और तब हम उसे थोड़ा यूज भी कर लेंगे, ताकि वो रवा हो जाए और जो जो नया काम है वो सारा सही हो जाए भाई। क्योंकि यह होता है जब आप काम कराते हो ना, गाड़ी को चलाते नहीं हो, वैसे ही खड़ी कर देते हो, फिर वो खराब हो जाती है, लेकिन चलाना चाहिए। तो हम यही करेंगे, जैसे उसे सही कराएंगे तो उसके बाद रेगुलर चलाएंगे 2-4 दिन 5 दिन, फिर वो नॉर्मल सेट हो जाएगी, फिर खड़ी कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी कल सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आराम से गाड़ी सही करवाने जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, घर में खाना वाना बन चुका है, थोड़ा लेट हो गए थे, बाकी एसी वेसी भी सही हो गया, आगे दिक्कत नहीं आएगी। और अभी 21 पे आराम से सही चल रहा है भाई, ट्रिप भी नहीं मार रहा है, काफी रूम ठंडा कर दिया है। मैं सोच में पड़ा भाई, आज तो ये वाला रूम बेकार हो गया भाई, क्योंकि एसी चलता नहीं तो बेकार ही हो जाता, लेकिन एंड ऑफ द डे सही हो गया। मतलब एक नई चीज सीख ली भाई, बाय 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 बाय। फाइनली भाई, बहुत दिन से सिखा रहे थे, बाय बाय आज सीख ही गया, बाय 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 बाय। काफी सारी चीजें सीख रहा भी है। तो यहाँ मेरे फेवरेट आ रखे जम्मू की आन बान शान भाई, राजमा थोड़ा बहुत मैंने खा लिया, उसके बाद मुझे याद आया भाई, और मस्त ठेसे के साथ खा रहा हूँ, और देसी घी भी है भाई, गांव वाला फ्रेश बना हुआ बढ़िया। आहा, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे भाई, देसी घी के साथ बिल्कुल जैसे वहाँ पे मिलते ना डोडे के चावल, मजा आया भाई, एक नंबर। सो आप सब लोगों को टाइम दिखा दूं भाई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और अभी जाके वीडियो एडिट हुआ है मेरा, सारे लोग सो चुके हैं, मम्मी भी सो चुके हैं, चंचे भाई भी सो चुके हैं भाई, अब टाइम आ चुका है मेरा भी सोने का, सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल सुबह बाकी काम कराने जाएंगे भाई, गाड़ी का बच्चा कुचा, और अपन नई ट्रिप के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर मिलते हैं कल। लाइक करके जरूर जाना, चैनल नया तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ कमेंट करके जरूर जाना। बाय द वे एक काम जरूर करते हुए जाना, नया नाम बता के जाओ बाइक के लिए, जो न्यू बाइक लिए उसके लिए, और जहाँ हम नई ट्रिप पर जाएँ वो जगह बताओ, जाना हम इस जगह पे जाते हैं जहाँ पे अभी मौसम ठंडा रहे, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा चिपचिपा मौसम हो चुका है, तो चिपचिपा वाले मौसम में नहीं जाना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो कमेंट करके बताना कहाँ जाएं भाई।